हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखानी लेके आया हूँ। बहुत अच्छी रेसिपी, मेरी फेवरेट। खैर, पंजाबी सी फेवरेट, और दाल मखानी बगैर तो हर खाना तकरीबन इनकम्प्लीट है। ये इंग्रेडिएंट्स देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने ले लिया है 250 ग्राम के आसपास, ये मेरी काली दाल है, माँ की दाल, प्लस ये राजमा, मैंने चित्रा राजमा थोड़ा सा डाला, नियर अबाउट से 50 ग्राम के आसपास। ठीक, ये जरूर, ये कॉम्बिनेशन ज़रूर जाता है इसके अंदर। इसको मैंने ऑलमोस्ट 8 घंटे के आसपास सोक किया है, 8 घंटे के आसपास को मैंने सोक किया है, और ये दाल थोड़ी फूल गई है। ठीक, और उसके बाद फिर हमें चाहिए खड़ा, हम लोग ये अदरक, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1-1 चम्मच, तेज़पत्ता, अपना सिनेमन, ठीक, थोड़ी हरी इलायची 2-3, काली इलायची, और 2 से 3 आप क्लोव्स। बस हमें ये चाहिए। पहले हम इसको बॉईल करेंगे, अच्छे से इसको गला लेंगे, फिर अगला प्रोसेस हम करेंगे। और नमक, ये मैंने कुकर ले लिया, कुकर में मैंने हल्का सा इसमें मैंने तेल डाल दिया है। यहाँ पे आके मैं अपने ये जो मसाले हैं थोड़े, इसको हल्का सा डाल देता हूँ। ये मैंने इसमें सारे अपने वो मसाले डाल दिए। फिर मेरा जिंजर जो खड़ा मैं यूज़ कर रहा हूँ वो थोड़ा सा उसको देखे, इसमें थोड़ा सा मैंने जीरा भी ऐड करा। सॉरी फ्रेंड्स, मैं बताना भूल गया था, मेरी नमकदानी में है ओके, तो भी जीरा, अदरक, जीरा, नमक, मिर्ची और हल्दी, तो ये आपको पता उसमें रहती है। ये हल्का सा बस इसको मैंने जलाना नहीं है, हल्का सा इसके फ्लेवर रिलीज कर दे, बाकी तो बॉयल होके बहुत अच्छा फ्लेवर शुरू हो जाएगा। इसके बाद मैंने जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है अपना वो डाल देना है। मसाले हमारे हो गए, अब हम इसमें अपनी दाल पूरी डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसको हमने एक विसल दिलानी है हाई फ्लेम पे, उसके बाद हमने इसको फ्लेम्स बिल्कुल डिम कर देनी है, और ऑलमोस्ट 25 मिनट तक हमें इसको अच्छे से बॉईल होने देना है, सिमर होने देना है। हमने इसको प्रेशर से एकदम गलाना नहीं है, वो स्वाद नहीं आएगा, हमें इसको धीरे धीरे करना है। और इसको ऑलमोस्ट 1 इंच ऊपर दाल, जैसे आपकी अगर कैलकुलेशन बताऊं तो नीचे आपकी दाल बैठने के बाद लगभग 1 इंच पानी ऊपर आ जाए, उतना पानी ही मोर देन सफिशिएंट है। थोड़ा सा ज़्यादा कम भी हो जाए तो हो जाएगा, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। फिर इसके बाद हम अपना इसमें नमक एज पर टेस्ट थोड़ा कम ही रखेंगे, क्योंकि हमने इसको बाद में फाइनलाइज करेंगे, तो नमक तो उस टाइम हो सकता है। बस अब इसको मैंने बंद कर देना है, और एक तेज में विसल आने देनी है, और उसके बाद 25 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे कर देना है। सी फ्रेंड्स, मेरी दाल ऑलमोस्ट पूरी हो गई, बहुत स्लोली बनानी है। मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ, अगर आपको टेस्ट चाहिए तो आपको कई चीज़ों में सब्र करके ही बनाना पड़ेगा। ये मैंने दो हाई, अपना एक विसल हाई पे देने के बाद ऑलमोस्ट आधे घंटा बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाया, और ये मैंने काट के देखो, ना पतली ना गाढ़ी, बहुत अच्छी लुक आई है, जैसे दाने दाने खुल गए हैं एकदम। इस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। अब यहाँ पे हमें तड़का लगाने के लिए जो चाहिए, पहले तो इसमें देसी घी, देसी घी मतलब अच्छा देसी घी, क्योंकि दाल मखानी है पंजाबियों की डिश, रिच, बढ़िया, तो आपके लिए उसको आपको उसी तरीके से बनाना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे जो लिया है, जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ, 1 प्याज, ठीक है, लगभग 4 टमाटर, धनिया, हरी मिर्ची, आपकी कसूरी मेथी पिसी हुई, और साथ में उसको मैंने हल्का सा टॉस कर लिया और भून लिया है। ठीक, फिर मेरा थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च और ये खड़ी मिर्च, ठीक, भुना जीरा, भुना जीरा, ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए, और क्रीम और मक्खन तो ऑब्वियसली जाना ही जाना है, क्योंकि दाल मखानी है। सबसे पहले तो मेरा ये गरम होते ही ये 2 मिर्चियाँ डाल लेता हूँ पहले, साथ ही साथ बन जाएंगी 2 मिर्चियाँ, और मेरा प्याज जो ग्राइंड किया हुआ मेरा। अब कुछ दाल मखानी सब बनाते होंगे, सबको पता होगा प्रोसेस, बट यहाँ पे ऐसा क्या अलग है, पंजाबियों के हाथ का अलग स्वाद आता है, सबका प्रोसेस अपना अपना अलग अलग है बनाने का। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊँ, कुछ कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, वो आप ज़रूर ध्यान रखना। कसूरी मेथी दाल मखानी की जान है,
एक दूसरी चीज़, जो टमाटो प्योरी हम यूज़ कर रहे हैं वो फ्रेश टमाटर की है। इसमें हम लोगों को टमाटो प्योरी जो टिन वाली कैन वाली नहीं यूज़ करनी, क्योंकि उसमें खटास होती है ज़्यादा। दूसरा, टमाटर हमें देसी टमाटर कोशिश कर रहे हैं कि वो लें जिसमें मिठास हो। अगर हमारा टमाटर खट्टा होगा हमारी दाल में वो स्वाद वो नहीं आएगा, वो खटास कुछ भी कर लो आप आएगी आएगी। हल्का सा इसको मैं ब्राउन कर लूँ पहले प्याज को, फिर मैं टमाटो की ग्रेवी डालूँगा। सी ऑलमोस्ट हमारे प्याज हो गए हैं, काले नहीं करने हमें, डार्क ब्राउन नहीं करने, खटास ख़त्म करनी है। जिंजर गार्लिक हमने दाल में पहले ही डाल दिया था। ये छोटे छोटे टिप्स मैंने आपको पहले बताया था, टाइमिंग का खेल है, हर मसाले में टाइमिंग का खेल है। आप अपने टाइमिंग्स मसाले की परफेक्ट रखोगे तो उसका फ्लेवर उस तरीके से ही आएगा। जो अदरक जैसे पहले डाला था मैंने, उसका फ्लेवर अलग तरीके का, इस तरीके से अलग। सी कलर भी इसमें देखना बहुत अच्छा आएगा आपका। आई बेट कि आपको लगेगा कि वाकई आप किसी रेस्टोरेंट का ही बनी हुई दाल खा रहे हो। इसको हल्का सा ब्राउन कर लें, भून लें थोड़ा सा हल्का, बस इसमें कलर आ रहे और टमाटर की कचास ख़त्म हो जाए। सी फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 5 मिनट हो गए, मसाला हो गया। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और लाल मिर्ची हल्की सी, जैसे आप खाना चाहते हो वो आपकी चॉइस है, वो डाल देना आपने। और यहाँ पे आपको आपके साथ में गरम मसाला, ठीक है, और आपका कसूरी मेथी, ठीक है, मैंने भून के डाली थी कसूरी मेथी। मैं फिर से बता दूँ, ये छोटे छोटे टिप्स हैं, ज़रूर आप इस पे ध्यान दें। आप फिर देखिए आपकी कुकिंग का स्टाइल, आप हर चीज़ परफेक्टली बना पाओगे। इधर देखो सर, ब्यूटीफुली दाल हल्की हल्की आंच पे रिझ रही है, और देखो कितनी क्रीमी और कितनी अच्छी लुक आ गई है। इधर हमारा मसाला तड़का रेडी हो रहा है। अब सी फ्रेंड्स, मेरा मसाला ऑलमोस्ट हो गया है, तेल छोड़ दिया पैन में, बिल्कुल अलग अलग होने लगा। यहाँ पे आके मेरी हरी मिर्ची लंबी जो मैंने काटी है, ऑप्शनल है, आप कम खाते हो कम डालो, आप ज़्यादा खाते हो आप ज़्यादा, बट ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। ये थोड़ा सा मैं इसको टॉस करने के बाद मैं यहाँ पे आके आप अपना भुना जीरा ये डालूँगा, और इसके बाद मैं इसमें दाल डाल के इसमें रेडी करूँगा, फिर क्रीम और बाकी सामान बाद में जाएगा। ऑलमोस्ट डन, सिर्फ हल्की सी मिर्ची को हल्का सा मैं और चाहता हूँ, थोड़ा सा भून लूँ। सी फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट डन। अब यहाँ पे पॉइंट में आके हम मैं थोड़ी सी दाल इसमें ऊपर से पूरा पानी पानी वाला हिस्सा होता है थोड़ा वो डाल देता हूँ, और गैस को थोड़ा सा मैं नॉर्मल पे कर लेता हूँ, और इसको मैं हल्का सा पहले इस इतना जो है उसको भून लेता हूँ। सी क्या कलर आ रहा है, ब्यूटीफुल। सी फ्रेंड्स, ये इतना दाल को लग गया, ये जो था इसका पानी ये मैंने डाल दिया, और ऐसे ही मैंने इससे करछी से इसको हल्का सा घुमाता भी रहा, इसे रीज़न बीन कि ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। सी द लुक, टेक्सचर क्या आ गया। अब मैं इसको पूरी दाल में मिक्स कर दूंगा अपने। आप देखो कलर का डिफरेंस यहाँ पे दाल के अंदर, मसाले का तड़का लगने का कलर कितना अलग हो गया। सी फ्रेंड्स, ये हो गई है, ये गाढ़ी इतनी ही रखनी है। दाल मखानी, फिर ये मेरा क्रीम है लगभग आधा वो, और दूध दोनों मिक्स किया हुआ मैंने। अब इसमें बेसिकली प्रॉपर पंजाब साइड में और दिल्ली में जैसे हम लोग रहते हैं तो यहाँ पे वाइट बटर बहुत यूज़ होता है। लॉकआउट में वाइट बटर अवेलेबल नहीं है। वाइट बटर भी एक बहुत इंग्रेडिएंट ज़रूरी है, बट अभी तो नहीं है, बट मैं उसके बाद थोड़ा सा अमूल बटर नॉर्मल वो डालता हूँ। अब ये मैंने क्रीम डाली है, अब आप इसका टेक्स्चर देखो और इसका कलर देखो चेंज हुआ, और बहुत ही ब्यूटीफुल कलर आ गया है। हमारी दाल ऑलमोस्ट रेडी है, और आई बेट आप ये बनाओगे, किसी भी आप 5-स्टार होटल की दाल को आप इसमें आप टक्कर दे सकते हो। इतनी अच्छी और इतना स्वाद, जो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बोली हैं, बस उसका आप ध्यान रखो, दाल को धीरे बनाओ, और जिस तरीके से मैंने मसाले की टाइमिंग्स रखी हैं आप भी वैसे ही रखिए। अब हम इसको यहाँ से सर्व करते हैं, मीटी ऑन द टेबल। सी फ्रेंड्स, मेरी दाल मखानी रेडी हो गई है, मैंने बटर बीच में डाल दिया और क्रीम से टीनूस किचन दे दिया लोगों को। ये साथ में सिमरन ने कोन्स बनाए हैं, कोन्स पापड़ कोन्स विथ पीनट सलाद एंड ऑल,
तंदूरी लच्छे पराठे, ओ माय गॉड राइस ब्यूटीफुल। आज जब दाल हमने बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाई है तो ऑब्वियसली एम्बियंस भी वैसा होना चाहिए था, खाने का स्टाइल डेकोरेशन भी वैसी होनी चाहिए थी। सी माय दाल डियर फ्रेंड्स, इसकी रेसिपी भी मैं आपको सेंड करूंगा, लच्छा पराठे के भी करूंगा बिल्कुल, राइस तो आपको सबको ही पता है। सो आप बनाओ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मुझको कमेंट्स दो कैसा बना कैसा लगा, प्लीज डू दैट। जब तक के लिए स्टे एट होम, बी फिट एंड मेक हेल्दी एंड हैप्पी कुकिंग। सी यू गाइस, बाय।